गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, बीएससी बीएड पार्ट सेकंड में, बीएससी बीएड पार्ट सेकंड में पेपर सेकंड चल रहा है सिस्टमैटिक ऑफ एंजियोस्पर्म। और इसमें हमने पिछली क्लास में पढ़ा है अचिसम का वर्गीकरण, इसके अलावा एंगलर ग्रेंडल का वर्गीकरण और बेंथम हुकर का वर्गीकरण। तो आगे आज हम जानेंगे वर्गीकी की इकाइयों के बारे में। देखिए, एंजियोस्पर्मिक प्लांट को चाहे सजीवों की बात करें हम, अगर हम जीवों के वर्गीकरण से संबंधित देखें तो सिस्टमैटिक के लिए यानी कि वर्गीकरण के लिए वर्गीकी इकाइयों की जरूरत पड़ती है। तो हम पहले वर्गीकी इकाइयों का अध्ययन करेंगे, फिर वर्गीकी इकाइयों का के कुछ महत्वपूर्ण गुण हैं वो हम जानेंगे। उसके बाद हम चलेंगे बायोकॉम्पेंसेशन में यानी वी नाम पद्धति में। उसके बाद हम चलेंगे आगे हर्बेरियम में। तो हर्बेरियम पहले नहीं पढ़ेंगे हम, हालांकि हर्बेरियम यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है, लेकिन पहले हम यूनिट सेकंड के कुछ टॉपिक पढ़ेंगे ताकि जो हम पढ़ रहे हैं वो एक सीक्वेंस में बना रहे और आपको भी याद करने में आसानी हो। तो हम जानेंगे वर्गीकी की इकाइयों के बारे में। तो यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन कौन कौन सी हैं अभी हम देखेंगे। देखिए, यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन में दो प्रकार की यूनिट होती है, मेजर टैक्सा और माइनर टैक्सा। मेजर टैक्सा और माइनर टैक्सा, ठीक है। मेजर टैक्सा को हम कहते हैं प्रमुख, यानी प्रमुख वर्गक कौन से हैं, ठीक है। और माइनर को हम कहते हैं गौण वर्गक कौन कौन से हैं। फिर मैं आपको दोनों का एक साथ पढ़ूंगा। जो हम वनस्पतिक पादपों का जब हम क्लासिफिकेशन लिखते हैं तब हम उस सार को लिखते हैं क्लासिफिकेशन में, सिस्टमैटिक पोजीशन में उसी को हम लिखते हैं। लेकिन पहले हम मेजर टैक्सा और माइनर टैक्सा के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो टैक्सा जो है उसमें कई सारे वर्गक होते हैं और वर्गक में नीचे से ऊपर यानी यहाँ से नीचे अगर वर्गीकी की छोटी से छोटी इकाई जाति है तो जाति में लक्षणों की समानता सबसे ज़्यादा होती है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे लक्षणों की समानता कम होती चली जाती है। तो मेजर टैक्सा में देखिए हम कौन कौन से हैं। एक तो है किंगडम, जिसे हम जगत कहते हैं। किंगडम के बाद आता है डिवीजन, जिसे हम प्रभाग कहते हैं। फिर क्लास आता है और डिवीजन के बाद हम सब डिवीजन भी बना सकते हैं। वैसे हम सब डिवीजन लिख देते हैं इसमें, तो सब डिवीजन हो गया है उप प्रभाग। फिर आता है क्लास, क्लास को हम कहते हैं वर्ग। फिर आती है सब क्लास, सब क्लास आती है उपवर्ग। फिर आता है ऑर्डर, गण। फिर आता है सब ऑर्डर, उपगण। तो ऑर्डर तक तो यहां हमने देख लिया। फिर आगे क्या है, आगे है फैमिली। फैमिली होती है कुल। फिर आती है सब फैमिली, उपकुल। उसके बाद है ट्राइब, ठीक है, ट्राइब। और फिर आती है सब ट्राइब। तो ये आपको याद रखना है। अगर इस वीडियो को बीएससी पार्ट सेकंड वाले देख रहे हैं तो आपको बता दूं मैं कि क्वेश्चन आता है वर्गकों के बारे में कि वर्गकों की इकाइयां कौन कौन सी है या वर्गीकी की इकाइयों को समझाइए इस तरह से। तो आपको मेजर टैक्सा और माइनर टैक्सा दोनों के बारे में बताना होता है। तो इस तरह से एक तरफ आप लिखते हो मेजर टैक्सा, दूसरी तरफ अगर गौण देखें हम वर्गक कौन कौन से हैं तो गौण वर्गकों में आते हैं जीनस, जिसे हम वंश कहते हैं। फिर आता है सब जीनस, उपवंश। फिर आती है स्पीसीज,
जाति, फिर आती है सब स्पीसीज, उपजाति, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें आगे वैरायटी, तो वैरायटी ही लिखते हैं और फिर उसके बाद सब वैरायटी, तो वैरायटी, उसके बाद सब वैरायटी, यानी किस्म और उपकिस्म, ठीक है। उसके बाद आता है फॉर्मा, और फॉर्मा के बाद आता है क्लोन, ठीक है। इस तरह से तो ये है माइनर टैक्सा की इकाइयां और ये है मेजर टैक्सा की इकाइयां। इन दोनों इकाइयों को दो प्रकार के इसमें जो टैक्सा है मेजर और माइनर, इन दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना होता है। तो देखिए हम जब क्लासिफिकेशन देते हैं किसी भी पादप का, जब हम क्लासिफिकेशन देते हैं तो ज्यादातर हम इनमें से कौन कौन सी इकाइयों को काम में लेते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं गुड के निशान से बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें तो कौन कौन सी इकाइयां हैं जिसको हम किसी भी पादप की सिस्टमैटिक पोजिशन को बताने के लिए काम में लेते हैं। किंगडम, ठीक है। उसके बाद आता है डिवीजन, सब डिवीजन आप शामिल कर सकते हो नहीं भी। फिर आती है क्लास, मतलब एक सामान्य प्रक्रिया बता रहा हूँ मैं। फिर ऑर्डर, फिर आती है फैमिली, और फैमिली के बाद आता है जीनस, और जीनस के बाद आती है जाति, ठीक है। और फिर आती है उपजाति। वैसे वर्गीति की सबसे छोटी इकाई किसको माना जाता है, जाति को माना जाता है, ठीक है। तो ये जो गुड पार्ट किए हुए मैंने, ये इकाइयाँ जो है पादप की सिस्टमैटिक पोजीशन को बताने के लिए काम में लेते हैं। तो इनको अगर हम सम्मिलित रूप से लिखना चाहें तो सबसे पहले लिखेंगे किंगडम, फिर डिवीजन, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। ये आपको सारे याद करने हैं मेजर और माइनर टैक्सा क्या क्या होते हैं। अब देखिए वर्गीकरण इकाइयों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उन तथ्यों को आप ध्यान रखेंगे। लेकिन उन तथ्यों को जानने से पहले मैं आपको इनमें ही अनुलग्न सफिक्स के बारे में बता देता हूं। सफिक्स इसे कहते हैं अनुलग्न, ठीक है। अनुलग्न का मतलब होता है कि जब हम इनमें से इकाइयों, कोई भी इकाई हम बता रहे हैं तो उस इकाई के अंत में, यानी जैसे कोई जीनस है, जीनस एक बात आपको ये ध्यान रखना है, जीनस में लेके चलेंगे, ऑर्डर दे रहे हैं, ऑर्डर लेके चलते हैं, जैसे ऑर्डर है, ठीक है। तो ऑर्डर के आगे हम क्या लगाते हैं, एक अनुलग्न लगाते हैं जिसे हम सफिक्स यानी अनुलग्न कहते हैं, ठीक है। ये अनुलग्न जरूरी होते हैं जिससे कि इकाइयों की अच्छी तरह से पहचान हो सके, इसलिए हम अनुलग्न का प्रयोग करते हैं। जैसे अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ और मैं आपको अनुलग्न बताता हूँ इस तरह से यूज करते हैं। ये भी कुछ जरूरी बातें हैं जो टैक्सोनॉमी में आपको याद रखनी पड़ती है। जैसे हम बात करें हैं वर्ग, ठीक है, वर्ग यानी क्लास। तो क्लास के लिए अनुलग्न क्या लगाएंगे हम, ई के ई, यानी कि ई लगाएंगे, ठीक है। ये क्लास के लिए क्या है, अनुलग्न, ठीक है। किसी भी क्लास को हम लिखते हैं, वर्ग को हम लिखते हैं, तो ई ए ई हम इसके प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे पॉलीपेप्टी, ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये पॉलीपेप्टी क्या है, पॉलीपेप्टी और गैमोपेप्टी, इस तरह से दो क्लास हम देखें अलग अलग। पॉलीपेप्टी जिसमें कि सभी दल कैसे हो, पृथक पृथक हो, और गैमोपेप्टी जिसमें कि सभी दल आपस में जुड़े हुए हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये अनुलग्न काम आया, ठीक है। एक और उदाहरण लेकर चलते हैं, ऑर्डर के, जैसे ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर में देखिए जैसे रेनेलिन्स, तो इसमें आप देख सकते हैं ए एल ई एस यानी एलीज इसके अंदर प्रयुक्त हुआ है, ये भी अनुलग्न है, ठीक है।
ठीक है। तो अनुलग्न हम कहाँ लगाते हैं, आखिर में लगाते हैं, लास्ट में लगाते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर कुल की बात की जाए तो कुल में जैसे हम ए सी ई ए ई यानी कि ए सी का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ये कुल के लिए हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल जैसे रिलीज, तो आप देख सकते हैं ये क्या है, इसका अनुलग्न है। लीलिएसी प्याज का कुल है, एलियम सिम्बा का कुल है, लहसुन का कुल है, ठीक है। तो यहाँ पर एसी जो है अनुलग्न काम आया है, ठीक है। तो इस तरह से हम अनुलग्नों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम आगे बात करेंगे इसके अंदर वर्गी की इकाइयों से संबंधित कुछ और तथ्य, लेकिन तथ्यों के बारे में जानने से पहले मैं आपको कुछ अपवाद बता देता हूँ अनुलग्न के अपवाद, ठीक है। तो अपवाद में कुछ कुल ऐसे हैं या कुछ ऑर्डर ऐसे हैं जिनके अंदर कुछ ऑर्डर में अनुलग्न ए ई होता है, ठीक है। कुछ ऑर्डर में अनुलग्न क्या होता है, ए ई होता है। वैसे क्या होता है ऑर्डर में, वैसे होता है एलीज, लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्डर हैं जिसके अंदर अनुलग्न क्या है, ए ई यानी कि ई होता है, ठीक है। तो जैसे हम ग्लूमी क्लोरीन लिखते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो ऑर्डर है इसके आखिर में अनुलग्न क्या प्रयुक्त हुआ है, ए ई प्रयुक्त हुआ है। इसी तरह से ट्यूबी लोरी, तो इसमें भी आप देख सकते हैं एक ही अनुलग्न का प्रयोग हुआ है। अगर हम फैमिली की बात करें तो कुछ फैमिली में अनुलग्न ए ही होता है, ठीक है। क्या होता है, ए ही होता है। जैसे अंबेली फेरी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अनुलग्न क्या है, ए ई है, ठीक है। जैसे अंबेली फेरी, जैसे हम और एग्जांपल देना चाहें तो रूसी फेरी, इसमें भी अनुलग्न क्या है, ए ई है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ अपवाद भी मौजूद हैं जिनमें उनके स्वाभाविक अनुलग्नों का प्रयोग नहीं होकर के किसी दूसरे अनुलग्न का प्रयोग होता है। जैसे ऑर्डर में ए ई होता है, यूमी फ्लोरी यूमी फ्लोरी। कुछ फैमिली में अनुलग्न ए सी ना होकर ए ई होता है, जैसे हम मिली फेली और रूसी फेली। तो ये आपको याद रखने हैं। अब देखिए जो भी वर्ग की इकाइयां हैं उन वर्ग की इकाइयों को लेटिन भाषा में लिखना और इटैलिक भाषा में यानी कि इटैलिक तरीके से उनको मुद्रित करना आवश्यक है, यानी कि अनिवार्य है। कहने का मतलब ये है कि हमें वर्ग की इकाइयों को लिखते वक्त उनको किसमें लिखना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा लैटिन भाषा में, ठीक है। और इसी तरह से लैटिन भाषा के साथ साथ उनको अगर मुद्रित करवाना है किसी भी पुस्तक में किसी आर्टिकल में तो वहां पर वो इटैलिक तरीके से मुद्रित होने चाहिए, यानी कि तिरछे लिखे जाने चाहिए, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य इसके अंदर ये आता है कि किसी भी पादप का क्लासिफिकेशन उसके अवरोही क्रम में लिखा जाता है, ठीक है। वर्गी की सोपान जो है वो किस क्रम में लिखे जाएंगे, अवरोही क्रम में लिखे जाएंगे। अवरोही का मतलब होता है जैसे सबसे पहले आपने लिखा किंगडम, फिर लिखा आपने डिवीजन, फिर क्लास, ठीक है, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस और उसके बाद स्पीसीज। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये वर्ग की सोपान जो है वो अवरोही क्रम में लिखे गए, ठीक है। यानी जाति को सबसे नीचे, किंगडम को सबसे ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है।
इसके बाद और महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि इस तरह से इनको लिखना यानी कि वर्ग की सोपानों को अवरोही या आरोही क्रम में लिखना क्या कहलाता है? रेखी कहलाता है। क्या कहलाता है? रेखी कहलाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है? रेखी को हम कहते हैं पदानुक्रम। हिंदी क्या है इसकी? पदानुक्रम। वर्ग की पदानुक्रम होते हैं। वर्ग की पदानुक्रम यानी कि पद है उसका अनुक्रम है। सबसे पहले किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, इस तरह से, ठीक है। अगला इसका महत्वपूर्ण गुण क्या है? अगला और महत्वपूर्ण तथ्य ये है इसका कि जैसे जैसे हम वर्ग की सोपानों में जाति से किंगडम की ओर जाते हैं, वैसे वैसे लक्षणों की समानता कम होती चली जाती है। इसका मतलब ये है कि जातियों में समान लक्षण ज्यादा होते हैं, या हम यूं कहें जातियों में या किसी जाति में लक्षणों की समानता सर्वाधिक होती है, ठीक है। फिर उसके बाद लक्षणों की समानता किसमें होती है? जीनस में होती है, यानी जाति से कम होती है जीनस में, ठीक है। फिर जीनस से कम किसमें होती है? कुलों में होती है, ठीक है। यानी जीनस में जो समानताएं आपस में पाई जाती है वो समानताएं फैमिली में कम होती है, ठीक है। किसी भी फैमिली के दो पात्रों की समानता किससे ज्यादा होती है? ऑर्डर से ज्यादा होती है, यानी ऑर्डर में फिर कम हो जाता है, क्लास में फिर कम है। तो इस तरह से जाति से किंगडम की ओर जाते जाते लक्षणों की समानता सबसे लक्षणों की समानता कम होती चली जाती है। तो सबसे ज्यादा लक्षणों की समानता कहाँ है? जाति में, ठीक है। आगे हम इसका और तथ्य देखें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्ग की इकाइयों को लिखने के बाद लास्ट में क्या लगाते हैं? हम अनुलग्न लगाते हैं। परंतु जीनस, स्पीसीज और किंगडम, इन तीनों में अनुलग्न का प्रयोग नहीं किया जाता। अनुलग्न का प्रयोग उनमें नहीं होता है, ठीक है। यानी किंगडम, जीनस और स्पीसीज लिखते वक्त अनुलग्न का प्रयोग नहीं किया, ठीक है। आगे वर्ग की सोपान जो है वो एकल प्रक्रम नहीं माना जाता है, ये एक तरह का पदानुक्रम है। पदानुक्रम का मतलब ये है कि प्रत्येक पद या सोपान एक वर्ग को दर्शाता है और सारे वर्ग मिलकर के क्या बनाते हैं? पदानुक्रम बनाते हैं। क्या बनाना? सारे वर्ग मिलकर के क्या बनाते हैं? पदानुक्रम बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एकल प्रक्रम नहीं है ये, सभी जो इकाइयां हैं वो मिलकर के ही पदानुक्रम बनाती है। प्रत्येक वर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को दर्शाता है, यानी ये प्रत्येक वर्ग जो है इनमें से चाहे वो किंगडम हो, चाहे डिवीजन हो, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, कोई भी वर्ग को वो वर्गीकरण की एक इकाई को दर्शाता है और सभी इकाइयां मिलकर पदानुक्रम बनाती है। और वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? जाति। ये इसका लास्ट तथ्य है कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति को माना जाता है, ठीक है। तो ये बात हुई है वर्गीकी की इकाइयों। अब हम आगे बात करेंगे प्लांट नोमेनक्लेचर की, पादप नामकरण। प्लांट नोमेनक्लेचर पादप नामकरण, ठीक है। हमने वर्गीकी की इकाइयां तो देख ली, लेकिन हमें पादपों के नाम के बारे में भी पता होना चाहिए। देखिए पूरे विश्व में नामकरण की केवल एक ही पद्धति काम में ली जाती है। अगर हम एक ही पद्धति से पादपों के नाम नहीं रखेंगे तो उन नामों की सार्थकता और वैज्ञानिक आधार
प्रकार का पादप सभी देशों में पाया जाने वाला एक ही प्रकार का पादप अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाएगा तो विश्व स्तर पर वैज्ञानिक खोजों की सार्थकता और उनका आदान प्रदान असंभव हो जाता है। यानी कि जो भी वैज्ञानिक खोज हुई है उस पादप से संबंधित उस खोजों उन खोजों का और साथ ही साथ वैज्ञानिक खोजों की सार्थकता उनका कोई महत्व नहीं रहा होता। इसीलिए पादप को पूरे विश्व में एक ही वैज्ञानिक नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे मेंजीफेरा इंडिका, जैसे आम, ये क्या है? मेंजीफेरा इंडिका। ठीक है, तो इस पादप आम को आम के नाम से अपने भारत में आम कहते हैं, किसी दूसरे देश में पता नहीं वो इसका कोई वहां का लोकल नेम, लेकिन इसका वैज्ञानिक नेम सभी देशों में क्या है? मेंजीफेरा इंडिका ही रहेगा। ये इसलिए रहता है क्योंकि अगर एक ही नाम होगा तो हमें जो सूचनाएं हैं किसी भी पादप की उसका आदान प्रदान जब दो देशों के बीच होता है तो उसमें सुविधा रहती है। तो एक सामान्य पद्धति के तहत एक अमुक पौधा पूरे विश्व में एक ही नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जाना तो जाता है एक ही नाम से, साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वह नाम लैटिन भाषा में लिखा जाना चाहिए और इटैलिक यानी तिरछे शब्दों में उसको मुद्रित करना आवश्यक है, यानी कि अनिवार्य है। यानी लैटिन और तिरछे शब्दों में लिखना उसको जरूरी है। लैटिन भाषा का प्रयोग क्यों किया जाता है? लैटिन भाषा का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि ये एक तो मातृभाषा है, दूसरा इस भाषा को पूरे विश्व स्तर पर स्पष्ट और सारगर्भित माना गया है, तीसरा भाषा यथार्थता दर्शाती है। ठीक है, चौथा पात्रों की सही और विस्तृत जानकारी हमें लैटिन भाषा में मिल जाती है, तो इसलिए लैटिन भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब पादप नामकरण के लिए एक संस्था है ICBM, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, ICBM, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, और इसकी स्थापना मानी जाती है 1961 में। ठीक है, ये वो संस्था है जो पादप नामकरण से संबंधित कुछ नियम बनाती है और पूरे विश्व में उन नियमों को फॉलो किया जाता है। यानी पूरे जो सभी विश्व में सभी जगह पर इस संस्था द्वारा बनाए गए नियमों को ही काम में लिया जाता है, कब? जब पादप का नामकरण किया जाता है। ठीक है, इसी तरह से जूलॉजी के लिए अगर बात करें तो ICZN ये जूलॉजी के लिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, ये भी किसके लिए काम में आती है? ये संस्था वो संस्था है जो जंतुओं के वैज्ञानिक नामों के लिए कुछ नियम बनाती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये भी ध्यान रखना है, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। इसके नियम हम आगे दुई नाम पद्धति में आप पढ़ लोगे, अभी मैं बताऊंगा। तो अगला टॉपिक हमारा आता है वो है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। द्विनाम पद्धति इसको कहते हैं। ठीक है, द्विनाम पद्धति इसको बोला जाता है, इसे द्विपद नाम पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, और इसका जनक कौन माना जाता है? इसका जनक है कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस। ठीक है, इसका जनक माना जाता है। तो द्विनाम पद्धति का प्रयोग सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने एक पुस्तक लिखी थी का नाम है स्पीशीज
बारे में कैरोला सीनियस ने बताया है, ठीक है। और 1 मई 1753 को ये पुस्तक पब्लिश हुई थी। तो 1 मई 1753 से पहले जितने भी नाम दिए गए हैं पात्रों के वो अमान्य है, ठीक है। 1 मई 1753 से ही पात्रों के वैज्ञानिक नामकरण की शुरुआत हुई थी और इसके बाद जो भी नाम दिए गए हैं वो ICBM के रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से दिए गए हैं और वही पूरे विश्व में मान्य भी है। तो कैरोला सीनियस ने 1 मई 1753 को क्या बताया था, 1 मई 1753 को ये प्रकाशित हुई थी इसी पांडेरम और इसी में इसने द्विनाम पद्धति के बारे में बताया था, ठीक है। इसके बाद एक और पुस्तक कैरोला सीनियस ने लिखी थी, जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी का प्रकाशन 1 अगस्त 1758 को हुआ, ठीक है। इसका प्रकाशन कब हुआ था, 1 अगस्त 1758 को हुआ था और इसमें जंतुओं के नामकरण की पद्धति दी, ठीक है। जंतुओं के लिए नामकरण की पद्धति कैरोला सीनियस ने कौन सी पुस्तक में दी थी, सिस्टेमा नेचुरी में दी थी, जो 1 अगस्त 1758 को पब्लिश हुई थी। इसका मतलब ये है कि 1 अगस्त 1758 से पहले जितने भी जूलॉजिकल नेम दिए गए हैं वो अमान्य है, 1 अगस्त 1758 के बाद के जो नाम है वही मान्य है और वो भी कौन से मान्य है, जो कि ICZN के रूल एंड रेगुलेशन के द्वारा जो भी नामकरण जंतुओं के किए गए हैं वही मान्य है, ठीक है। अब देखिए महत्वपूर्ण बात, द्विनाम पद्धति का जनक कैरोला सीनियस को माना जाता है, कोई संशय नहीं है, परंतु द्विनाम पद्धति का जो असली खोजकर्ता है यानी द्विनाम पद्धति का सर्वप्रथम विवरण किसने दिया था, ये दिया था गैस्पर बोहिम। इस वैज्ञानिक ने एक पुस्तक लिखी थी द पिनेक्स, ये लिखी थी इसने 1623 में। तो इस पुस्तक में गैस्पर बोहिम ने द पिनेक्स में द्विनाम पद्धति के बारे में पहले ही बता दिया था। कब बताया था, 1623 में, जबकि कैरोला सीनियस को द्विनाम पद्धति इसने बाद में बताई थी 1753 के आसपास, लेकिन इसने 1623 में ही द्विनाम पद्धति को बता दिया था गैस्पर बोहिम ने। परंतु यह इस द्विनाम पद्धति को जन साधारण तक प्रस्तुत नहीं कर पाया, यानी कि इसको वैज्ञानिक आधार नहीं दे पाया, जन साधारण तक ये पहुंच नहीं पाई, ठीक है। तो जन साधारण तक पहुंचाने का और इसे वैज्ञानिक आधार देने का, इसे वर्ल्ड वाइड प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किसको जाता है, कैरोला सीनियस को जाता है। इसीलिए कैरोला सीनियस को द्विनाम पद्धति का जनक कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको बातें ध्यान रखनी है इसमें। अब आगे हम द्विनाम पद्धति को देखें क्या है द्विनाम पद्धति।